हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं आपको कक्षा एक कलरव का पाठ सात पतंग कविता पढ़ा रही हूँ और जो लिखी है सोहनलाल द्विवेदी ने। चलो आओ बच्चों, सस्वर वाचन करें। सर 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 उड़ी पतंग, सर 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 उड़ी पतंग, फर 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 उड़ी पतंग, फर 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 उड़ी पतंग, इसको काटा उसको काटा, इसको काटा उसको काटा, खूब लगाया सैर सपाटा, खूब लगाया सैर सपाटा, अब लड़ने में जुटी पतंग, अब लड़ने में कट गई लूटी पतंग, अरे कट गई लूटी पतंग, सर 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 उड़ी पतंग, सर 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 उड़ी पतंग, फर 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 उड़ी पतंग, फर 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 उड़ी पतंग। कैसी लगी कविता? बहुत अच्छी। चलो अब अभ्यास प्रश्न करो, बताओ कैसे उड़ी पतंग? सर सर उड़ी पतंग। कितने बच्चों के पास पतंग? एक दो तीन चार। बहुत अच्छे। कितने रंगों की पतंग? एक दो तीन चार पाँच छः सात। बहुत अच्छे। कितने किन किन रंगों की पतंग बच्चों? पांच रंगों की पतंग। बताओ। लाल, गुलाबी, बैंगनी, हरा, पीला। बहुत अच्छे। कितनी कटी पतंग? एक दो तीन चार पाँच। पांच पतंग कट गई। चलो बच्चों पढ़ो और लिखो अपनी कॉपी में। सर सर फर फर सैर सपाटा। अब बच्चों तीसरा प्रश्न, ऐसे पांच शब्द और बोलो जिनमें रा आता हो। जैसे पहला शब्द क्या है? रजत। दूसरा तरबूज, टमाटर। तो आप लिख सकते हैं और भी शब्द अपनी मनपसंद। अब देखो बच्चों प्रश्न नंबर चार, र से मिलाकर शब्द बनाओ। जैसे रख, तो ये सारे व्यंजन जो यहाँ दिए हैं उसमें आगे रा लगाओ। जैसे रा अड़ा के आगे लगाया क्या हो गया? रण। र हा के आगे लगा दिया क्या हो गया? रह है। र इसके आगे लगा बाद लगा दिया सर हो गया है। र थ है। म र रच रख रट। इस प्रकार से शब्द बनाकर अपनी अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। जिन चीजों को खाते हैं उन पर गोला बनाओ और खेलने की चीजों पर ये इस प्रकार से चौकोर बॉक्स बनाओ। तो क्या क्या खाते हैं बच्चों? ये क्या है? केला। ये क्या है? सेब। ये क्या है? गेंद। और ये क्या है? बल्ला। हाँ, तो गेंद और बल्ले से खेलते हैं। तो इन पर आप चौकोर निशान बनाना और इस पे भी चौकोर और इस पे क्या बनाना? गोला। अब देखो आगे बढ़ो बच्चों, ये क्या है? टॉफी। ये क्या है? लड्डू। ये क्या है? लट्टू। ये क्या है? गेंद। हाँ, तो इस पर आप टॉफी पर और लड्डू पर गोला बनाना और लट्टू पर और इस गेंद पर चौकोर निशान। ये क्या बच्चों पहचानो? पतंग। ये क्या है? डमरू। ये क्या है? टमाटर। और ये क्या है? अनार। अनार। तो बच्चों आप खाने वाले चीजों पे गोला बनाएंगे। अब देखो बच्चों आपको कितना सुंदर काम दिया गया है, रंग भरना है। ये किसका चित्र है? सूरज। तो इसमें आप कैसा रंग भरेंगे? पीला, पीला और नारंगी। और ये किसका चित्र है बच्चों? पेड़ का। पेड़ पर कैसा रंग भरेंगे? हरा और भूरा। अच्छा, ये पतंग है, इसमें आप अपना मनपसंद रंग भर सकते हो कोई भी। चलिए बच्चों अब आगे, अब बताइए आपने क्या क्या सीखा? देखो और बताओ, इस चित्र को देखो, कौन नीचे कौन ऊपर? नीचे कार है, ऊपर हवाई जहाज।
अब देखो कौन अंदर कौन बाहर इस चित्र में। अंदर मछली है, बाहर बिल्ली। अच्छा आप भी बताइए, देखो गिनो और मिलाओ, बताओ ये सेब कितने हैं? वन। एक। देखो ये गेंद कितनी है? दो। अभी तोते देखो कितने हैं? एक, दो, तीन, पांच। पांच। कितने हैं? पांच। अब गुब्बारे गिन लो। एक, दो, तीन, चार। चार। तो चार पे आपको मिलान करना है। अब ये देखो फूल कितने बने हैं? एक, दो, तीन। हाँ तीन। अब चित्र देखकर शब्द पूरा करना है। अब बच्चों पहचानो चित्र किसका है? अनार का। ये किसका है? घर का। तो घर बनाना है, ये क्या बना है? नल। तो आप यहाँ क्या लिखोगी? नल। ना से नल। ये क्या बना है? मछली। तो यहाँ पे अब क्या बनाओगी? माँ। ये क्या बनी है? पतंग। पहले अब यहाँ क्या बनाओगी? पा। बहुत सुंदर। अच्छा अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो बच्चों का, तो आप लोग इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ। तब तक के लिए अलविदा।